एलडीसी में अपने एक टॉपिक दे रखा है जंतुओं व पादपों का आर्थिक महत्व, जंतुओं व पादपों का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, यह टॉपिक देके रखा है आपके यहां आर्थिक महत्व। अब सुनो कि जंतुओं के आर्थिक महत्व में अपने किसका अध्ययन करना है, यानी सूक्ष्म जीव छोटे जीव होते हैं इनका हमारे दैनिक जीवन के लिए जरूरत होती है इनकी। जैसे अपने बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी से अपने को शहद प्राप्त होता है, ठीक है। वैसे होता है रेशम कीट पालन जिसे रेशा प्राप्त होता है, वैसे मोती पालन एक प्राणी से प्राप्त होता है, वैसे लाख लाख जिसे अपने चूड़िया बनती है वो एक लाख के कीट से प्राप्त होती है, वैसे क्या होता है अपने मछली पालन है, वैसे अपने मुर्गी पालन है। इन सब छोटे छोटे जीवों का अपने जीवन के लिए आर्थिक महत्व है। तो अपने जंतुओं के आर्थिक महत्व में क्या पढ़ेंगे, रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है, लाख पालन है, मोती पालन है, और अपना मुर्गी पालन है, मछली पालन है। पादपों का आर्थिक महत्व, और पादपों के आर्थिक महत्व में जैसे खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, जो है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके वानस्पति के नाम बताऊंगा, इनकी किस्में बताऊंगा मैं आपको। इसके पश्चात कुछ अपने क्या औषधि महत्व के पौधे हैं, जैसे अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, जिसे औषधि बनती है। कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिसे रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है, जूट है, मूंज है, पटसन है, सन है, इनके बारे में बताऊंगा। और कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जो तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों है, जैसे अरंड है, जैसे मूंगफली है। तो वे पादपों का आर्थिक महत्व है हमारे जीवन में, तो उनका अध्ययन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने जंतुओं के आर्थिक महत्व से, पहले पढ़ेंगे अपने जंतुओं का आर्थिक महत्व और इसके पश्चात बताऊंगा मैं आपको पादपों का आर्थिक महत्व। जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात करें तो उसी शुरुआत करते हैं अपने मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, पहले मैं आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताऊंगा, फिर आपको रेशम कीट पालन के बारे में, बाद में कुक्कुट पालन के बारे में, उसके बाद मछली पालन के बारे में, फिर लाख पालन के बारे में, फिर मोती पालन के बारे में बताऊंगा। तो मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पहला पालन तो यही बन गया आपके कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, जबकि रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। अब ध्यान करना, इसमें फंस जाते हैं आप लोग कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। अब उल्टा हो जाता है, कभी कभार प्रश्न आता है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो ए में डालेगा वो सेरीकल्चर, ब में डालेगा वो एपीकल्चर, और स में डाल देगा वो अपने पीसी कल्चर, और द में डाल देगा पोएट्री। तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, रेशम कीट पालन को। थोड़ा सा अटका लो दिमाग में, सेरीकल्चर ऐसा नाम सुनो, सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, रेशम कीट पालन को। अब देखो रेशम में स आ रहा है और शेरी में स आ रहा है, इसका मतलब सेरीकल्चर किसको बोलेंगे, रेशम कीट पालन को। अब बच क्या गया, एपीकल्चर, तो एपीकल्चर किसको बोलेंगे, मधुमक्खी पालन को। सुनिएगा जरा, मधुमक्खी पालन के बारे में बताऊंगा। अच्छा, मधुमक्खी एक सरम विभाजन पाता है मधुमक्खी में। सरम विभाजन का मतलब यह है कि काम के दृष्टिकोण से मधुमक्खी है ना, वो कई प्रकार की होती है। कुछ एक मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, जिनको श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। कुछ एक बच्चे पैदा करने वाली होती है, इनमें मादा को क्या बोलते हैं, रानी कहते हैं, नर को क्या बोलते हैं, ड्रोन कहते हैं। तो यानी सरम विभाजन पाया जाता है। अच्छा, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहती है, सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है ये, समाज में रहती है, तो सामाजिक प्राणी है। कृत्रिम प्रकार के छत्ते के निर्माता, कृत्रिम छत्ता, कृत्रिम छत्ता, और कृत्रिम छत्ते के निर्माता कौन है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे। वैज्ञानिक का नाम है क्या है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भी कृत्रिम प्रकार के छत्ते के निर्माता कौन है, तो जवाब क्या रहेगा, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे। यानी आपने क्या है, इन दिनों में छत्ते लगा लगा कर मधुमक्खी पालन करते हैं ना, तो इसका मतलब वो छत्ते का निर्माता कौन थे, शुरुआत में किसने शुरुआत करवाई थी, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे नामक वैज्ञानिक ने। अब मैं बात करूंगा कि मधुमक्खी की प्रजाति, कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है मधुमक्खी की, तो सुनना जरा। एक नाम है एपिस इंडिका। क्या नाम है, एपिस इंडिका। एक है एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा। क्या नाम रहेगा, एपिस डोरसेटा। और एक नाम है एपिस मेलीफेरा। क्या नाम है, एपिस मेलीफेरा। दोबारा सुनो, यानी ये प्रजाति है, तीन प्रजाति है किसकी, मधुमक्खी की, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलीफेरा। अब सुनिएगा, एपिस इंडिका ये भारतीय पालतू मधुमक्खी है,
भारतीय पालतू मधुमक्खी कौन सी प्रजाति है? एपिस इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया, तो भारतीय पालतू मधुमक्खी कौन सी प्रजाति है? एपिस इंडिका। इसे घरेलू मधुमक्खी भी कहते हैं। कौन सी मधुमक्खी? घरेलू मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। यह अंधेरे वाले स्थानों पर रहती है। कहां रहती है? यह अंधेरे वाले स्थानों पर रहती है। तो भारतीय पालतू मधुमक्खी कौन सी प्रजाति है? एपिस इंडिका। इसको घरेलू मधुमक्खी भी कहते हैं और यह अंधेरे वाले स्थानों पर रहती है। अब देखो दूसरी है एपिस डोरसेटा। यह चट्टानी मधुमक्खी है। कौन सी मधुमक्खी है? चट्टानी, यानी यह चट्टानों पर पाई जाती है। यानी चट्टानों पर रहने वाली वैरायटी कौन सी है? डोरसेटा। यानी प्रजाति कौन सी है? डोरसेटा, जो कहां रहती है? चट्टानों पर रहती है। यह आकृति में सबसे बड़ी होती है, यानी आकार में सबसे बड़ी है। यानी तीनों में से बड़ी कौन सी है? डोरसेटा। इसको सारंग या बोनबरा भी कहते हैं। क्या नाम है इनका? सारंग या बोनबरा के नाम से भी जानता है। सारंग या बोनबरा भी कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा शहद देती है, सर्वाधिक शहद देने वाली मधुमक्खी, सर्वाधिक शहद देती है। तो सर्वाधिक शहद देने वाली मधुमक्खी कौन सी है? डोरसेटा। इसको चट्टानी मधुमक्खी भी कहते हैं और यह आकार में बड़ी होती है। भारतीय पालतू मधुमक्खी इंडिका, जो घरेलू मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है और अपने क्या है? अंधेरे वाले स्थानों पर रहती है। डोरसेटा जो होती है वो चट्टानी मधुमक्खी है, आकार में बड़ी होती है। इसको सारंग या बोनबरा भी कहते हैं, सर्वाधिक शहद देती है ये। अब बात है एपिस मेलिफेरा। इसका जो व्यापार होता है, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम होती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम व्यापार होता है। और ये इसका उत्पादन क्या होता है? ये यूरोप व जापान में ज्यादा पाई जाती है। यूरोप व जापान में सर्वाधिक कौन सी होती है? मेलिफेरा। यानी तीन प्रजाति बता दी मैंने, तो भारतीय पालतू मधुमक्खी इंडिका, चट्टानों पर रहने वाली डोरसेटा और व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम कौन सी होती है? मेलिफेरा होती है। तो प्रश्न डाल दिया जाएगा कि व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति है? तो मेलिफेरा, चट्टानों पर रहने वाली डोरसेटा और भारतीय पालतू मधुमक्खी इंडिका है। अब सुनिएगा जरा क्या कि भी शहद, मधुमक्खियां कितनी प्रकार की होती हैं? तीन। एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां पाती है? तीन प्रकार की। एक तो होती है रानी, एक होता है ड्रोन और एक होता है सार्मिक। यानी एक छत्ते में निम्न तीन प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है, रानी, ड्रोन और सार्मिक, ठीक है। रानी मधुमक्खी संख्या में एक होती है, ड्रोन 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं और सार्मिक मधुमक्खियों की संख्या 5000 से 6000 के लमसम होती है। एक छत्ते में रानी केवल एक ही होगी। अच्छा, ड्रोन कितने हो सकते हैं? 100-200। ड्रोन क्या है? यहां पर ये नर है और ये मादा है। सार्मिक मधुमक्खियां और इनकी संख्या कितनी होती है? 5000 से 6000 होती है। ये नपुंसक होती है, बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होती है। बच्चे पैदा करने में रानी और ड्रोन का ही सहयोग रहेगा। अब रानी संख्या में एक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, रानी मधुमक्खी का भोजन रॉयल जेली है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि रानी मधुमक्खी का भोजन क्या कहलाता है? रॉयल जेली कहलाता है, यानी रॉयल जेल खाती है ये। तो रानी मधुमक्खी का भोजन क्या है? रॉयल जेली है। रानी मधुमक्खी दिन में एक ही बार अंडे देती है, एक बार अंडे देगी और एक बार के दौरान 1500 से 2000 अंडे देती है। यानी दिन में एक बार अंडे देगी और एक बार अंडे कितने देगी? 1500 से 2000 अंडे देती है। भोजन क्या है इसका? रॉयल जेली। अच्छा, संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। कितना अंडे देती है? 15 लाख। संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी 15 लाख अंडे देगी। रानी मधुमक्खी एक बार लैंगिक क्रिया के दौरान, एक बार सेक्सुअली रिएक्शन के दौरान 1 करोड़ शुक्राणु को ग्रहण करती है। कितने शुक्राणु ग्रहण कर लेती है नर से? 1 करोड़। अच्छा, दिन में कितनी बार अंडे देगी? एक बार। कितने देगी? 1500 से 2000। संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देगी? 15 लाख अंडे देती है। भोजन क्या है इसका? रॉयल जेली है। यदि रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाती है तो उस उड़ान को मैच्यूनी उड़ान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है ये, यानी उसको बोलते हैं नेचुरल फ्लाइटिंग, मैच्यूनी उड़ान। यदि रानी मधुमक्खी छाता छोड़कर के और कहीं दूसरी जगह जाती है तो उस उड़ान को मैच्यूनी उड़ान, नेचुरल फ्लाइटिंग के नाम से जानते हैं। यदि पूरी कॉलोनी का मतलब क्या हो गया? इसमें सार्मिक मधुमक्खी भी है, रानी भी है, ड्रोन भी है। यदि सारे ही छोड़ करके जा रहे हैं छत्ते को तो उस उड़ान को एब्सकोडिंग के नाम से जानते हैं। एब्सकोडिंग के नाम से जाना जाता है, एक नाम आता है एब्सकोडिंग।
यदि रानी मधुमक्खी अकेली जा रही है छत्ते को छोड़कर के, तब तो वो लैंगिक क्रिया यानी मैथुन क्रिया के लिए जा रही है, तो उसको तो बोलते हैं मैथुनी उड़ान। और यदि पूरी कॉलोनी उड़ के जाती है तो उसको बोलते हैं एब्सकोडिंग के नाम से। बात करेंगे ड्रोन की, तो ये तो नर है, 100 से 200 होते हैं। अच्छा, इनका जीवन काल कितना होता है? 30 से 35 दिन का होता है। कितना होता है इनका जीवन काल? है 30 से 35 दिन का। श्रमिक मधुमक्खियां 5000 से 6000 होती है एक छत्ते में, और इनका काम क्या है श्रमिक मधुमक्खियां का? यह पराग कण व पुष्प रस को इकट्ठा करती है। पुष्प रस को इकट्ठा करने का काम रहेगा इसका, पुष्प रस यानी फूलों से वह रस इकट्ठा करती है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा कि मधुमक्खी का जो फार्म होता है ना, फार्म जो जगह जगह खुले होते हैं, इनको एपियरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरी कहते हैं। एपियरी यानी मधुमक्खियों के फार्म को एपियरी नाम से जाता है। अच्छा, मधुमक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैगट, गयादा है यानी मैगट कहते हैं। मधुमक्खी के लार्वा, आपने छत्ता देखा होगा, छत्ते में छोटे छोटे चूजे से होते हैं सफेद सफेद रंग के, उनको लार्वा बोलते हैं, उनको मैगट के नाम से जाता है। तो मधुमक्खी के लार्वा क्या बोलते हैं? मैगट कहते हैं। अच्छा, मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, शहद। और शहद रासायनिक दृष्टिकोण से लिपिड होता है, मोम जैसा होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि यह शहद कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, रासायनिक दृष्टिकोण से लिपिड होता है यानी मोम होता है। शहद के अंदर सर्वाधिक फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी फ्रैक्टोज शर्करा। शहद में सर्वाधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रैक्टोज। शर्करा बोले तो कार्बोहाइड्रेट यानी मीठी चीजें, फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, यानी ये भोजन के पोषक तत्व है उनके अंदर आते हैं। तो फ्रैक्टोज शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है, और फ्रैक्टोज शर्करा प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। फ्रैक्टोज से ज्यादा मीठा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वो किस में पड़ता है? मधुमक्खी के शहद में। तो मधुमक्खी के शहद में सर्वाधिक मात्रा की पाई जाने वाली मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज पाई जाती है। अच्छा, शहद होता है ना, शहद वो कैसी प्रकृति का होता है? लिपिड होता है, और अप्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कौन सी शर्करा पाती है? फैक्टोज शर्करा। अब मैं बात करूंगा कि इसमें रानी के जो शत्रु होते हैं ना, शत्रु यानी एनिमी, वो कौन है? तो इसके शत्रु हैं काली चींटियां, काली चींटियां, काली चींटियां होती हैं वो इसके शत्रु होती हैं। किंग क्रोब, किंग क्रोब वह मौथ, ये इसके दुश्मन होते हैं। किसके दुश्मन होते हैं? ये इसके मधुमक्खी के दुश्मन होते हैं। दोबारा सुन लो, यहां से मधुमक्खी पालन क्या बोलते हैं? एपिकल्चर। अच्छा, शरम व्याधन पाता है, सामाजिक प्राणी है, कृत्रिम छत्ते के निर्माता कौन है? लॉन्गस्ट्रॉन। प्रजाति कौन सी है? एपिस इंडिका, डोर्सेटा, मेलिफेरा। इंडिका भारतीय पालतू मधुमक्खी है, इसे घरेलू मधुमक्खी भी कहते हैं, और यह अंधेरे वाले स्थानों पर रहती है। डोर्सेटा चट्टानी मधुमक्खी है, आकृति में सबसे बड़ी होती है, और इसको सारंग या बोनबरा भी कहते हैं, सर्वाधिक शहद देने वाली मधुमक्खी है। मेलिफेरा ये व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम होती है, और ये यूरोप व जापान में पाई जाती है। एक छत्ते में निम्न 3 प्रकार की मधुमक्खियां रानी जो संख्या में 1 होती है, ड्रोन 100-200 होते हैं, और श्रमिक मधुमक्खियां 5000 से 6000 होती है। रानी मधुमक्खी का भोजन रॉयल जेली है। रानी मधुमक्खी दिन में 1 बार अंडे देती है। अंडे कितने देगी? 1500 से 2000 अंडे देती है। संपूर्ण जीवन काल में 1500000 अंडे देती है। और यदि रानी मधुमक्खी उड़ के कहीं दूसरी जगह जाती है तो उस उड़ान को मैथुनी उड़ान कहते हैं। एक बार लैंगिक क्रिया के दौरान 1 करोड़ शुक्राणुओं को ग्रहण करती है, और यदि पूरी कॉलोनी उड़ कर जाती है तो उसको एब्सकोडिंग कहा जाता है। ड्रोन 100-200 होते हैं, इनका जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। श्रमिक मधुमक्खियां संख्या में 5000 से 6000 होती है। यह पराग कण व पुष्प रस को इकट्ठा करती है। अच्छा, मधुमक्खी के फार्म को क्या बोलते हैं? एपियरी कहते हैं, और मधुमक्खी के लार्वा क्या कहते हैं? मैगट कहा जाता है। मधु यानी शहद लिपिड होता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और शहद में सर्वाधिक फ्रैक्टोज शर्करा रहती है, और मधुमक्खियों के जो शत्रु होते हैं वो है काली चींटियां, किंग क्रॉब और मौथ इसके दुश्मन हैं। तो ये था आपका मधुमक्खी पालन। तो तेरा बंद कर दे, अब बात करूंगा तारा लियो। अब मेरी